नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक ब्लॉगर यूज़र हैं, आपका ब्लॉग है, वेबसाइट है, तो आप उस पर कैसे साइट मैप पेज बना सकते हैं, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आखिर साइट मैप पेज क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा hindytipszone.com ये ब्लॉग है और यहाँ पर हमने इसका साइट मैप पेज बना रखा है। नॉर्मली साइट मैप पेज में क्या होता है कि हमारा जो ब्लॉग होता है उस पर जितनी भी पोस्ट होती है वो सभी पोस्ट साइट मैप पेज पर शो करती है। उनका URL, पोस्ट का नेम, पोस्ट के पब्लिश करने की डेट, पोस्ट की कैटेगरी, वो सभी यहाँ पर शो करती है। ये साइट मैप पेज कहलाता है। एक तरह से साइट मैप पेज पूरी साइट का एक मैप होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम ब्लॉगर पर साइट मैप पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, तरह तरह के साइट मैप पेज आप बना सकते हैं, अलग डिज़ाइन के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मली ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का साइट मैप पेज क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि साइट मैप पेज नॉर्मली होता है जहाँ पर हमारे पोस्ट के सारे URL शो करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हम यहाँ पर ब्लॉगर के वीडियोस लेकर आते रहते हैं। पहले भी हमने काफ़ी सारे ब्लॉगर से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड किए हैं और पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो आप शुरू से ब्लॉगिंग करना सीख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये हमारा blogging.com ये एक ब्लॉग है जो कि ब्लॉगर पर बनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स और ब्लॉगिंग गाइड मैंने दे रखी है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसका मैंने साइट मैप पेज अभी तक नहीं बनाया है। यहाँ पर लगभग मैंने 25 पोस्ट कर रखी है और इसके जो पेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल 3 पेज बना रखे हैं। तो सबसे पहले हम बिना समय गवाए न्यू पेज पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में आप पेज का टाइटल दे दीजिए। मैं यहाँ पर साइट मैप दूंगा, आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, नाम देने के बाद में मैं आपको एक जो कोड होता है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ये रहा कोड, उसको आपको सिंपली कॉपी करना है। उसके बाद में HTML में जाने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब इसमें आपको कोई किसी तरह की छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद में यहाँ पर करना है ऑप्शंस में और रीडर कमेंट्स में इसको कमेंट्स को ऑफ कर देना है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो साइड में है उसमें कमेंट शो करे। ओके, बस इतना सा काम है। उसके बाद में आप पब्लिश पर क्लिक कर दीजिए। अब हम इसको व्यू कर लेते हैं। व्यू करने के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं साइड मैप, ऊपर की तरफ हमारी साइट का URL और यहाँ पर मैंने 25 पोस्ट कर रखी है जो कि एक साथ शो कर रही है। उनकी डेट, उनकी जो कैटेगरी है, ब्लॉगर पर ये लेबल कहलाता है, कैटेगरी होता है जो, और यहाँ पर सारे टाइटल्स हैं। अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं सीधे ही इस पोस्ट पर पहुँच जाऊँगा और यहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा साइड में बहुत थोड़ा सा और अच्छा दिखे, तो यहाँ पर मैंने hindytipszone.com पर एक पहले से एक पोस्ट कर रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि ये जो कोड है वो आपके ब्लॉग पर काम नहीं करे, टेम्पलेट पर काम नहीं करे, तो ऐसी कई बार एरर आती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा कोड भी दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट मैंने कर रखी है और यहाँ पर आप इस तरह का जो साइट मैप का पेज होता है वो भी आप बना सकते हैं। तो इसका भी मैंने नीचे URL दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप गूगल एडसेंस, वेबसाइट रैंकिंग, कीवर्ड्स प्लानर, SEO जैसे कई सारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि मैं आपके लिए किस तरह के वीडियोज़ लेकर आऊँ और मैं आपको सही ढंग से बता सकूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।